एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैं अभी भी केंजेकू के द्वारा छोड़े गए कर स्पिरिट के साथ लड़ रही होती है और तब मैं उसकी टेक्निक को समझकर कहती है, अब मुझे समझ में आया। ये स्पिरिट पहले अपने टारगेट को कॉफिन में डालती है, फिर एक पत्थर की मदद से उसे गाड़ देती है और फिर उसके बाद 3 सेकंड तक काउंट करती है, जिसकी वजह से ये अपनी डोमेन में मुझे गारंटी हिट कर सकती है। इस कर स्पिरिट का नाम स्पेशल ग्रेड डिसीज कर स्पिरिट है और अगर मैं उन 3 सेकंड्स के अंदर अंदर बाहर नहीं आती हूँ तब मैं भी इसके द्वारा फैलाए गए डिसीज से इन्फेक्ट होकर मर जाऊंगी। और तब हम देखती है मैं अपने आप को उस कर स्पिरिट के हमले से बचा लेती है और सोचती है, और मेरे लिए इसकी टेक्निक एक प्रॉब्लम है क्योंकि अगर ये कर स्पिरिट मुझ पर ज्यादा बार हमला करने में कामयाब रही तो मैं अपनी फुर्ती खो सकती हूँ और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस हालत में गेटो से नहीं लड़ पाऊंगी। पर ये कर स्पिरिट अपनी इंस्टिंक्ट पर काम कर रही है। और तब हम देखते हैं वो अपनी कर्स टेक्निक को एक क्रो पर आजमाती है और तभी वो कर स्पिरिट उस क्रो को मार देती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो कर स्पिरिट इंस्टिंक्ट्स पर काम कर रही है। और तब मैं सोचती है, अगर मुझे इसे हराना है तो अपने भाई को इसका टारगेट बनाना होगा ताकि मैं फ्रीली मूव कर सकूं। पर अगर इसके ऊपर एक भी टोमस्टोन का हमला हुआ तो ये मारा जाएगा। और तब हम देखते हैं मैं अपने भाई से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो, और तब हम देखते हैं वो हाँ कहता है। और तब हम देखते हैं यूई जैसे ही अपनी कर्स एनर्जी यूज करता है वो कर्स स्पिरिट उसे पकड़ लेती है। और तब हम देखते हैं मैं इस बात का फायदा उठाकर उस कर्स स्पिरिट के हाथ को काट देती है। और तब यहाँ यूई सोचता है, मेरी बहन ने कहा था कि वो मेरी जिंदगी को खतरे में डालना चाहती है, तो इसका मतलब ये इस बात का सिग्नल है कि मैं अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। और तब हम देखते हैं यहाँ मैं कहती है, तो अब यूई इस डोमेन को संभालेगा, तो इसका मतलब अब मैं इस कर स्पिरिट पर ध्यान दे सकती हूँ। और तब हम देखते हैं मैं उस कर स्पिरिट को ढूंढने लगती है और तभी वो कर स्पिरिट मैं पर हमला कर देती है। पर हम देखते हैं मैं अपने क्रो की मदद से उस कर स्पिरिट को हरा देती है। और तब यहाँ मैं कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि किसी सॉर्सर की एबिलिटी को किस तरीके से जल्द इम्प्रूव किया जा सकता है। तब यूई कहता है, ये एक बाइंडिंग वॉब हो सकता है जिसके लिए आप अपनी जिंदगी को रिस्क में डालते हो, तो मैंने सही कहा ना सिस्टर, मेरी बहन की टेक्निक ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन है और उसकी सबसे अच्छी बात बर्ड स्ट्राइक है। इससे वो किसी भी क्रो से सुसाइड कमिट करवा सकती है और उसके अंदर की कर्स एनर्जी को किसी भी एनिमी को मारने के लिए यूज कर सकती है। और इस दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि इसे रोकने की ताकत रखता है और वो है गोजो सातोरु। और तब हम देखते हैं वो दोनों डोमेन से बाहर आ जाते हैं जहाँ केंजेकू उनका इंतजार कर रहा होता है और कहता है, यहाँ के सॉर्सर्स में से तुम सबसे ज्यादा स्किल्ड हो। और तब यहाँ नाओबिटो कहता है, क्या गोजो सील हो चुका है, ये तो बहुत बुरी बात है। तब ननामी कहता है, मुझे भी यही लगता है, पर इसमें गेटो किसी न किसी वजह से शामिल है, चाहे फिर वो फेक ही क्यों ना हो, वो लोग कुछ ना कुछ तो जरूर सोच रहे हैं। तब नाओबिटो कहता है, वैसे तो मुझे गोजो फैमिली को गिरते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। तब माकी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब नाओबिटो माकी को वापस जाने के लिए कहता है और तब ननामी भी यही बात माकी को कहता है। तब माकी कहती है, मुझे लगता है मैं एक पियक्कर से तो ज्यादा काम आऊंगी। और तब ननामी नाओबिटो से शराब के बारे में पूछता है पर वो इसके बारे में मना कर देता है। तब ननामी सोचता है, शायद मुझे अकेले ही काम करना चाहिए था। और तब हम देखते हैं उन्हें एक कर स्पिरिट दिखाई देती है और तभी हम देखते हैं पलक झपकते ही नाओबिटो उस कर स्पिरिट के पास पहुंच जाता है और उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। और तब यहाँ माकी पूछती है, क्या तुम्हें वो दिखा। तब ननामी मना करता है और सोचता है, क्या ये कर्स टेक्निक थी। और तब वो कर स्पिरिट रोते रोते उल्टी कर देता है और वो जोगो माहितो और हनामी को याद करने लगता है और गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हनामी को मारने की। और इवॉल्व हो जाता है। तब नाओबिटो कहता है, अब समझ में आया कि ये इतना वीक क्यों था, क्योंकि ये अभी तक बस एक कर्स बूम था। और तब हम देखते हैं वो कर्स स्पिरिट पानी से उन सभी पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं माकी अपने आप को उस पानी से बचाने के लिए अपने कर्स चूट के ऊपर खड़ी हो जाती है और यहाँ नाओबिटो आराम से खड़ा होता है और अपनी कर्स टेक्निक से खुद को बचाकर कहता है, ए कर्स स्पिरिट, क्या तुम्हें पता है कि एक एनिमेशन के 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है, मेरा नाम कर्स स्पिरिट नहीं डैगन है। तब नाओबिटो कहता है,
आजकल रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट को इंक्रीज करने का ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि हम इमेज की क्वालिटी को 4K और फ्रेम रेट को 60 FPS तक लेकर जा सकते हैं, पर ये तब तक के लिए अच्छा होता है जब तक ये बस खुद के एंजॉयमेंट के लिए हो और ये दूसरों को प्रॉब्लम ना दे। और अब तो ये सारे टीवी में ऑटोमेटिक आने लगा है। और तब हम देखते हैं डैगन को उसकी बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, और तभी हम देखते हैं ननामी उस पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है, और तब माकी जैसे उस पर हमला करती है वो उसके टूल को पकड़ लेता है, और तभी हम देखते हैं नाभी तो डैगन को एक फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है और ननामी उस पर हमला कर देता है, और हम देखते हैं वो ननामी के हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। और तब हम देखते हैं डैगन के आसपास एक वाटर की रिंग बनने लगती है, और तब नायोबीटो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे जैसे 2 ग्रेड 1 सोर्सेस मिलकर भी इसे हरा नहीं पा रहे। और तब माकी सोचती है अगर इस बूढ़े आदमी ने अपनी टेक्निक यूज ना की होती तो अब तक मैं मर चुकी होती, ये कितनी शर्मनाक बात है। और तब नायोबीटो कहता है तो तुम्हारे पास वाटर का डिफेंसिव बैरियर है, तो क्या तुम इसके साथ लार्ज स्केल अटैक भी कर सकते हो? तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास और भी कर्स टेक्निक्स होगी। और सोचता है तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? पर इसका जवाब तो बिल्कुल सिंपल है, मुझे इसकी और टेक्निक यूज करने से पहले इसे मारना होगा। और तब हम देखते हैं वो तीनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, पर डैगन उन सभी से बचकर ऊपर चला जाता है, पर तभी नायोबीटो उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे फेंक देता है। तब डैगन सोचता है मैं अपनी टेक्निक को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ और ये सारी इसी आदमी की गलती है। और तब हम देखते हैं नायोबीटो डैगन पर हमला कर देता है, और तब डैगन सोचता है ये तो जोगो से भी ज्यादा फास्ट है। और तब हमें बताया जाता है प्रोजेक्शन सॉर्सरी ये नायोबीटो जेनिन की कर्स टेक्निक है, जिसमें ये जो भी चीजों को देख रहा होता है उसे एक सेकंड में 24 फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है, और तब ये उन फ्रेम्स में जो भी एक्शन बनाता है उसे ये परफॉर्म कर पाता है। और जब इसने अपनी ये टेक्निक एक्टिवेट की होती है तब ये अगर किसी को टच करता है तो वो उनके भी एक सेकंड के 24th फ्रेम को कंट्रोल कर सकता है, और अगर वो उस तरह परफॉर्म ना कर पाए तो वो एक सेकंड के लिए फ्रीज ही रहते हैं। पर इसके कुछ रिस्क भी हैं, जो एक्शन एक बार डिसाइड कर दिए जाएं उन्हें बीच में एडिट नहीं किया जा सकता, और अगर आप कोई ऐसा एक्शन बनाते हैं जो कि फिजिक्स और पाथ ऑफ मोशन को एक्सेसिवली इग्नोर करता है तो आप भी कुछ देर के लिए हैंग कर सकते हैं। पर फिर भी इसकी इसी टेक्निक की मदद से गोजो के अलावा सबसे फास्टेस्ट सॉर्सर बन चुका है। और तब जैसे ही नायोबीटो डैगन पर हमला करता है हम देखते हैं डैगन का खून उसके हाथों में लग जाता है, और तब हम देखते हैं वो सभी लोग खुद को एक बीच पर पाते हैं जहां डैगन कहता है डोमेन एक्सपेंशन होराइज़न ऑफ कैप्टिवेटिंग स्कैंडा। और तब हम देखते हैं डैगन माकी और ननामी पर हमला कर देता है, और तब माकी सोचती है तो ये है एक डोमेन की ग्रंटेड हिट का हमला, मैं तो इसे तब तक नहीं देख पाई जब तक इसने मुझे छुआ नहीं। और यह हम देखते हैं नायोबीटो को उस अटैक से कुछ नहीं होता, और तब हमें बताया जाता है कि फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन एक एंटी डोमेन टेक्निक है जो कि 3 बिग क्लैंस में बांटी गई है, जो कि एक सिंपल डोमेन की तरह है, पर इसमें यूजर अपनी डोमेन को एक्टिवेट नहीं करता है, पर जब भी डोमेन का ग्रांटेड हिट अटैक एक्टिवेट होता है ये टेक्निक अपने यूजर को उससे बचाती है। और तब डैगन सोचता है मुझे लगा ही था ये पर्सन अलग है, और अब मैं इन सभी की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर चुका हूँ, अब मैं अपनी पावर को स्प्लिट करूंगा जिसमें से मैं 70% इस मूछ वाले आदमी के साथ लड़ने में लगाऊंगा और 30% उस सूट पहने हुए पर्सन पर इस्तेमाल करूंगा। और तब हम देखते हैं वो अपनी टेक्निक डेथ स्वॉर्म को एक्टिवेट करता है जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे शिकिगामी अपीयर हो जाते हैं। तब यहाँ ननामी कहता है माकी ये शिकिगामी ऐसे सीधे सामने से ही नहीं आ रहे हैं, ये किसी भी टाइम हमें खा सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा सोचो मत, जैसे ही तुम्हें इनका हमला फील हो इन्हें सीधा काट देना। और तब हम देखते हैं ननामी पर डैगन हमला कर देता है, और तब हम यहाँ देखते हैं नायोबीटो अपनी कर्स टेक्निक से खुद को बचा रहा होता है, पर तभी डैगन आकर उसे एक मुक्का मारता है, और तभी यहाँ डैगन माकी को वी कहकर मुक्का मार के दूर फेंक देता है। तब डैगन नायोबीटो पर हमला करते हुए कहता है डेथ स्वॉर्म एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इनफाइनाइट शिकिगामीज को बुला सकते हैं। और तब हम देखते हैं वो बहुत सारे शिकिगामीज से नायोबीटो पर हमला कर देता है। तब यहाँ माकी कहती है अगर तुम्हें मैं सच में कमजोर लगती हूँ तो मुझे एक ही बारी में खत्म क्यों नहीं कर देते। तब
ड्रैगन कहता है, तो चलो ठीक है, इन दोनों की तरह मैं तुम्हें भी मार डालता हूँ। पर तभी हम देखते हैं पोशीगुरो वहाँ आ जाता है और माकी का हथियार भी साथ लाता है, जिसे देखकर माकी बहुत खुश हो जाती है। और तब पोशीगुरो सोचता है, तो ये है वो जिसने इस डोमेन को एक्टिवेट किया है। तब ड्रैगन कहता है, आखिरकार तुम्हारी मेरी डोमेन में एंटर करने की हिम्मत कैसे हुई, और पोशीगुरो पर हमला कर देता है। पर तभी हम देखते हैं माकी पीछे से उस पर हमला कर देती है और फिर से उस पर एक बार और हमला करके उसे दूर फेंक देती है। तब डैकन सोचता है, मेरे ग्रंटेड हिट अटैक ने काम करना बंद कर दिया है, जिसका मतलब है कि ये लड़का अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी और मेरी डोमेन आपस में लड़ रही हैं। तो इसलिए मुझे फिर से अपनी डोमेन को एक्टिवेट करने के लिए इसे ठिकाने लगाना होगा। और तब वो जैसे ही पोशीगुरो पर हमला करता है, हम देखते हैं ननामी आकर पोशीगुरो को बचा लेता है और पोशीगुरो से पूछता है, आखिरकार वो दोनों कहाँ हैं। तब पोशीगुरो कहता है, इनो तो भी होश हो चुका है और इटाडोरी इस टाइम कुछ काम कर रहा है। तब ननामी कहता है, अब मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो अब तुम अपनी डोमेन पर फोकस करना। तब यहाँ डैगन सोचता है, तो इसने मेरे डेथ फॉर्म को एक मिनट तक सह लिया। और तभी हम देखते हैं नायबितो और माकी उसके पीछे से हमला कर देते हैं, पर वो उनके ऊपर अपने शिकिगामी छोड़ देता है। पर हम देखते हैं वो दोनों उसके शिकिगामी को मार देते हैं। और तब नायबितो कहता है, तुमने मुझसे मेरी एक बाजू छीन ली है, तो तुम्हें इसका भुगतान तो करना ही होगा। और तब यहाँ ननामी शिकिगामी के साथ लड़ते हुए सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम जीत पाएंगे। तब यहाँ पोशीगुरो कहता है, ननामी जरा ध्यान से सुनो, उस ऑक्टोपस को लगता है कि मैं उसकी डोमेन पर अपना कब्जा करना चाहता हूँ, पर मेरा गोल कुछ हो रहा है। मैं इस डोमेन के बैरियर के अंदर एक छोटा सा होल खोलना चाहता हूँ। मैं जिस होल से अंदर आया था वो तो अब बंद हो चुका है, और अंदर से ऐसे होल को खोलना बहुत मुश्किल है, पर मैं फिर भी कुछ सेकंड के लिए एक होल खोल सकता हूँ, जिसमें से कुछ लोग कुछ सेकंड्स के लिए पास कर सकते हैं, और वो ऑक्टोपस गोजो नहीं है, तो इसका मतलब वो एक दिन में ज्यादा बार डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इस डोमेन से एक बार बाहर निकल जाएं, तो हम जीत सकते हैं। इस बैरियर का कोना मेरे पैरों के नीचे है, तो अगर आप तीनों इसके अंदर जंप करने के लिए तैयार हैं, तो मैं इसे कभी भी ओपन कर सकता हूँ। तब ननामी कहता है, पर हम लोग तुम्हें पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे। तब पोशीगुरो कहता है, मैं चाहे इसके लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूँ, पर इस टाइम मेरे मरने का कोई इरादा नहीं है। और तब ननामी उन दोनों को आवाज लगाता है और उन्हें अपने पास बुलाता है। तब यहाँ ड्रैगन सोचता है, क्या ये लोग उस बच्चे को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। पर तभी उसे उनके प्लान का एहसास हो जाता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और तब हम देखते हैं पोशीगुरो उस होल को ओपन कर देता है और ननामी उन सभी को उसके अंदर जाने के लिए कहता है। पर तभी हम देखते हैं टोजी वहाँ आ जाता है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा गोल है कि इस मंथ के एंड तक हमारे चैनल पर 300K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।